तो दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है जियो वर्सेस बीएसएनएल। आप सभी की भी यही समस्या होने वाली है, तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। आपको पता है जियो के मालिक हैं मुकेश अंबानी, और रिसेंटली बीएसएनएल को भी हैंडओवर किया है रतन टाटा सर ने। तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां जियो ने अपनी रेट्स बढ़ाई है अपने बेटे की शादी का पैसा वसूलने के लिए, वहीं बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी को ऊपर लेकर आने के लिए अपने हाथ में लिया है। और आज हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जहां जियो ने अपनी रेट ऊपर करी है, वहीं बीएसएनएल आपको 5G सर्विसेज बहुत जल्दी देने वाला है। और आपको आज मैं बता दूं कि लास्ट 13 दिन के अंदर आपको मैं बता दूं कि एयरटेल, जियो और वीआई तीनों कंपनियों ने जहां रेट बढ़ाई थी, उन तीनों कंपनियों के 1,05,000 कस्टमरों ने बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट करा लिया है। तो आपको मैं बता देता हूं कि जियो जहां अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ खर्च कर सकता है, लेकिन जहां कोरोना की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने कोरोना के टाइम में देश के बड़े बड़े धन कुबेरों से पैसा मांगा था कि वो अपने देश के गरीबों की मदद करने के लिए कुछ डोनेशन दे, लेकिन उस टाइम मुकेश अंबानी ने कोई भी डोनेशन नहीं दिया। लेकिन सबसे पहले अगर डोनेशन की बात करूं तो रतन टाटा सर ने 1,000 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। तो वो रतन टाटा जी आज जहां उनकी सारी कंपनियां ग्रो कर रही है, तो उन्होंने आज बीएसएनएल को अगर अपने हाथ में लिया तो बीएसएनएल कैसे ग्रो नहीं करेगी। तो आप सभी भी इसमें अपना सहयोग करें, तो अपनी जियो हो चाहे एयरटेल हो चाहे वीआई हो, अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करिए, क्योंकि वहां आपको 30% से भी कम रेट के अंदर 5G सर्विसेज बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। तो आईटी मिनिस्टर अश्विन वैष्णव ने भी इसके लिए बहुत ही अच्छी घोषणा की है, तो वो आप सुन लीजिए। ये दर्शाता है क्लियरली कि टेलीकॉम इंडस्ट्री आगे एक्सपैंड करेगी, ग्रो करेगी, नया रोजगार सृजन करेगी, और जो दूर दराज के क्षेत्र है उन सब में एक नई क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगी, और उसके बाद में मशीनें, इक्विपमेंट सब लगने हैं। तो समझिए आप, करीब करीब सितंबर अक्टूबर में हम लोग पहला 5G सर्विसेज का लॉन्च देख सकते हैं। यहाँ आईटी मिनिस्टर ने कहा है कि आपको 5G बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो आपको भरोसा भी होना चाहिए, क्योंकि अभी बीएसएनएल के साथ में रतन टाटा जी हैं जो आपको पता है अपनी बात पर खरे उतरते हैं। तो बहुत जल्दी आपको बीएसएनएल की 5G सर्विसेज मिलने वाली है। और इसी के साथ आपको कुछ बता भी दूं कि जहां 3G सर्विसेज है, सबसे पहले बीएसएनएल उन सिटीज में 4G सर्विसेज को अपना अपडेट कर रही है, और लास्ट 2 ईयर्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5G सर्विसेज लेके आने वाली है। अभी मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट में जियो ने अपने क्या प्लान चेंज किए, तो ये सारे प्लान जो जियो ने अपनी रेट्स में बढ़ा दिए, जहां आपको चाहे 1 महीने का रिचार्ज हो, चाहे 3 महीने का, चाहे 1 साल का, सारे रिचार्ज की रेट बढ़ा दिए। वहीं अगर बात करें एयरटेल की, तो इन्होंने भी सोचा जब जियो ने बढ़ा दिया तो हम क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, तो एयरटेल ने भी अपने सारे प्लान बढ़ा दिए, चाहे 1 महीने से 1 साल तक के सारे प्लान बढ़ा दिए। और इसी के साथ में वीआई ने भी अपना फायदा देख ही लिया, तो वीआई के ये सारे प्लान रहे जिन्होंने अपनी रेट बढ़ा दिए। तो इन सभी के साथ में बीएसएनएल अकेला एक ऐसा ब्रांड खड़ा है जो आज आपको अच्छी रेट में 4G सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, और बहुत ही जल्दी आपको 5G सर्विसेज भी प्रोवाइड कराने वाला है। तो जल्दी से अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा लीजिए। मैंने भी अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा लियो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल टेक आर्या को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना।